नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। चमनगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत गुलमोहर कॉलोनी निवासी शकील पिता हफीज खान के पुत्र फरदीन और फरहान पर आदतन अपराधी शाहरुख अमन उर्फ शानू जाकिर यूनुस भैयू घर में घुसकर प्राण घातक हमला कर दिया, जिसकी रिपोर्ट चमनगंज पुलिस ने पंजीपत की। मामले को जांच में लिया है। इधर पीड़ित परिवार अस्पताल में एडमिट है। बताया जाता है कि डॉक्टर के अनुसार फरहान को सिर पर गहरी चोट आई है। अभी डॉक्टर ने छुट्टी करने से मना कर दिया है। पीड़ित परिवार से बताया गया है कि घर में मजदूरी के कुछ रुपए भी रखे थे। आदतन अपराधी घर में रखे रुपए भी लेकर चले गए। पुलिस उसकी भी जांच कर रही है। सर, मैं थाने पे आवेदन देने गई थी और मेरे लड़के घर पे अकेले थे। मेरे पड़ोस के घर में से सब घर में घुसे, उसका जवाई शाहरुख, उसका लड़का अमन सनू, उसका आदमी भैयू, उसके भाई जाकिर और इनुस, इन्होंने तलवारों से और धारियों से हथियारों से हमला करा मेरे लड़के के ऊपर। उसका सर फाड़ दिया तलवार से और बड़े लड़के को भी खूब मारा, राड से, लोहे की राड से खूब मारा और मार मार के आड़ा पटक दिया। मेरी अम्मी को भी मारा हाथों पे और उनको धक्का देके गिरा दिया। और घर में जो पैसे थे मेरा लड़का लेके आया था काम पे से, वो सब छीन छपड़ के ले गए और मारने की धमकी देके कहा कि अगर पुलिस में रिपोर्ट करी नहीं तो जान से मार देंगे तुम्हें और तेरे घर वालों को, और घर से बाहर निकलना मत। और इनके अलावा बाहर भी सारे छोरे खड़े थे और ये पुराने आदतन अपराधी हैं, और मेरी अम्मी को भी धक्का देके इन्होंने गिरा दिया, उनके भी सर में लग गई। इनके साथ और जो लड़के आए थे ना, वो भी सब अपराधी हैं और आए दिन आके वहाँ पर धमकियां दिया दी करते रहते हैं। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम शमीम है।